हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी क्लास है हीलिंग ब्रश टूल। तो देखते हैं हीलिंग ब्रश का यूज किस तरह से किया जाता है। तो मैं हूं जारिस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। ऑलरेडी मैंने एक इमेज ड्रॉप कर रखी है। तो एडिटिंग करने से पहले, जब भी किसी भी इमेज की आप एडिटिंग करें, उससे पहले अगर उसके अंदर कोई स्पॉट हैं तो उनको हटाने के लिए कुछ टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो हमने एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पढ़ रखा है। अगर आपने उसकी क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप उसकी क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम स्पॉट्स हटा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा टूल है हीलिंग ब्रश टूल। तो देखते हैं इसका यूज़ किस तरह से होता है। सबसे पहले आप एक इमेज ड्रॉप करें जिसके अंदर स्पॉट है। इमेज को जूम करें। जूम किस तरह से करते हैं उसकी भी क्लास है, आप उसको चेक करें। जो भी इमेज आपने ड्रॉप कर रखी है उसका उसकी लेयर बन जाती है और उस पर लॉक रहता है, तो उसको आप हटाएं सबसे पहले। अब आप क्या करें, हीलिंग ब्रश टूल लें, ये ब्रश आएगा इस तरह से। ब्रश को बड़ा छोटा कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। ब्रश को बड़ा करेंगे, ठीक है। जिस एरिया में आपको स्पॉट हटाना है उस एरिया के आसपास से आपको पहले उसका टेक्सचर लेना पड़ेगा। ये काम करता है हीलिंग ब्रश। स्पॉट हीलिंग ब्रश में दूसरा तरीका था। हीलिंग ब्रश का तरीका ये होता है कि जिस एरिया में आपको वर्क करना है उस एरिया का टेक्सचर आपको पहले लेना पड़ेगा, देन आप अपने उस स्पॉट पे फिल करें। तो कैसे करते हैं ये देखिए। जो भी आपका स्पॉट है उसके आसपास जो प्लेन एरिया है वहां पर एल्ट से क्लिक करें। जैसे आप एल्ट की प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक गनशॉट का आइकन बनेगा। तो ये आपको इंडिकेट करता है जो प्लेन एरिया है, जो प्लेन सरफेस है, जो क्लीन एरिया है, वहां से अपना टेक्सचर उठाए, ठीक है। फिर जो स्पॉट हटाना उस पर आप फिल करते हैं। तो कैसे करें, सबसे पहले आप क्या करें, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे एल्ट दबाएं। एल्ट दबाने के बाद में क्या होगा कि आपका पॉइंटर बदल जाएगा। अब उस क्लीन एरिया पे क्लिक कर दें एक बार। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से इसने ये प्लेन सरफेस उठा दिया है। अब जहाँ पर आपको ड्रॉप करना है उस स्पॉट से थोड़ा सा बड़ा अपना ब्रश रखें और क्लिक कर दें। और जैसे देखो मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक करके रखा है, तो नीचे आपको प्लस का साइन इंडिकेट करवा रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, वो आपको दिखाता है कि यहाँ से इस एरिया से हम टेक्सचर ले रहे हैं, ठीक है। फोटोशॉप इस एरिया से टेक्सचर ले रहा है। तो इस तरह से आप क्लिक करें तो जिस एरिया पे वर्क करें, अब जैसे कि मुझे इस तरफ वर्क कर रहा है तो वापस यहाँ पर मैं एल्ट की प्रेस करूँगा और यहाँ से टेक्सचर उठाऊँगा और क्लिक करूँगा, देन क्लिक। यहाँ पर मुझे वर्क करना है तो उसके आसपास का क्लीन एरिया उठाऊँगा एल्ट से और क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे वापस अगेन मुझे वर्क करना है। तो इस तरह से कंटिन्यू आपको ये चीजें करनी है। तो इस तरह से देखिए हमने एल्ट का यूज करके जो भी आपको टेक्सचर हटाना है, जो भी आपको स्पॉट हटाना है, तो क्लीन टेक्सचर जो आपको लेना है एल्ट की हेल्प से, और आप अपने स्पॉट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये थोड़ा उससे एडवांस टूल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश है, और अभी जो हमने यूज़ किया वो है हीलिंग ब्रश। तो इस तरह से आप किसी भी स्पॉट को इजीली हटा सकते हैं, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, वुड से रिलेटेड हो, ग्रेनाइट से रिलेटेड हो, या कोई इमेज हो, स्किन हो, किसी भी चीज़ पे, किसी भी एरिया पे आप ये दोनों टूल यूज़ कर सकते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश देन हीलिंग ब्रश। तो गाइज यही थी आज की हमारी क्लास। आपको मैं दोनों का आफ्टर बिफोर व्यूज दिखा देता हूँ। तो ये है इमेज के आफ्टर एंड बिफोर। ये बिफोर जो पहले, देन ये आफ्टर जो बाद में हमने एडिट की है। तो आप इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे कि पहले क्या थी इमेज और हमने किस तरह से इसको एडिट किया। ये टूल कंप्लीट होने के बाद में कुछ और टूल्स हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपकी एक बड़ी सी क्लास लूँगा जो इमेज एडिटिंग से रिलेटेड होगी। उसमें किस तरह से सारे टेक्सचर को क्लीन करना,
स्पॉट ओगर को रिमूव करना, हाइलाइट्स करना, कलर को बढ़ाना, कलर को कम करना, कलर को इन्हेंस करना, शेडो बनाना, शेडो को डार्क करना, लाइट करना, ये सारी चीज़ें नेचुरल वे में किस तरह से हम ऐड करते हैं किसी इमेज में, उस फोटो को किस तरह से हम क्लीन करते हैं ये सीखेंगे। तो ये कुछ टूल्स हमारे पूरे हो जाएं, फिर वो आपके मैं क्लास लूँगा। ओके, तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बाय बाय।